नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारतीय सोच। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। अब तक कपिल सिब्बल का परिचय कांग्रेस नेता का था, केंद्रीय मंत्री का था, लेकिन अब से कपिल सिब्बल का परिचय आजम खान को जेल से निकलवाने वाले आजम खान के वकील का। मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। और इसलिए कपिल सिब्बल को सपा ने राज्यसभा भेजा है। विधानसभा में कपिल सिब्बल का पर्चा अखिलेश यादव ने भरवाया। टेक्निकली कपिल सिब्बल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सपा के समर्थन से पर्चा भरा। कपिल सिब्बल का पर्चा भराने के लिए अखिलेश यादव समेत पूरा समाजवादी खेमा मौजूद था। 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। सपा 3 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। कपिल सिब्बल के अलावा सपा की पूर्व सांसद डिंपल यादव और जावेद अली खान राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कपिल सपा दफ्तर गए, अखिलेश यादव से मीटिंग की, फिर पर्चा भरा। कहते हैं अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव दिल्ली गए थे। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में अखिलेश और कपिल सिब्बल की मुलाकात हुई थी। दोस्तों, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है। 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इन सभी सीटों में से बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलना तय है और एक सीट के लिए 36 विधायकों का वोट चाहिए और बीजेपी के पास 273 विधायक है, तो बीजेपी को 7 सीटें जीतने में कोई परेशानी नहीं है और सपा के पास 125 विधायक है, तो उन्हें 3 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं है।